तो दोस्तों, भारत में लॉन्च होने वाला है ऑल्टो का आरएस टर्बो वेरिएंट। जानते हैं क्या मिलेगा खास, क्या रहेगी कीमत। भारत की सबसे दिगंबर कार निर्माता कंपनी जैसा कि मारुति सुजुकी अपनी सबसे पॉपुलर कार ऑल्टो के नए आरएस टर्बो वेरिएंट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अगले साल जनवरी में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर कार ऑल्टो के आरएस टर्बो वेरिएंट को हम सभी के लिए प्रदर्शित किया था। आप सभी को बताना चाहूँगा, इस कार को ऑलरेडी हम सभी के लिए जापान में पहले ही लॉन्च किया जा सका है और इस कार को भारत में अब लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। इंजन तथा पावर की बात करी जाए तो भारत में मारुति सुजुकी की अपकमिंग कार ऑल्टो टर्बो आरएस के अंदर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला 1.5 लीटर का टर्बो यूनिट पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। भारतीय बाजार में आरएस टर्बो वेरिएंट को हम सभी के लिए सीएनजी विकल्प के साथ भी लॉन्च किया जाएगा। पावर के मामले में ऑल्टो का नया वेरिएंट टर्बो आरएस आपको 40.36 पीएसपी की पावर तथा 60 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप पेट्रोल मोड के अंदर इस कार को चलाते हैं तो वो करीबन आपको 47.33 पीएसपी की पावर तथा 69 एनएम का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगा। भारत में मारुति सुजुकी अपनी ऑल्टो के ब्रांड न्यू अवतार यानी टर्बो आरएस वेरिएंट को भारत में 5 स्पीड एएमटी यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ भारत में लाएगी। अगर फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर आपको एयर कंडीशनर सिस्टम, पावर स्टीयरिंग तथा फ्रंट पावर विंडो, सिल्वर एसी वेंट्स, डोर हेडलैम्प्स, फैब्रिक और विनिंगर अपडेट होल सीट। इंटीरियर की बात करें तो इस कार में आपको 7 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले नेविगेशन को सपोर्ट करता है। डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स को अपडेट किया गया है। इसके साथ ही इसमें व्हील कवर, बॉडी कलर बम्पर, डोर हेडलैम्प्स। सेफ्टी के लिए इस कार में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसी अन्य खूबसूरत फीचर्स को अपडेट आरएस मॉडल में आप सभी के लिए किया है। और साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी की अपकमिंग ऑल्टो टर्बो आरएस के अंदर आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील भी कंपनी ने मुहैया करवाई है, यानी ये कार बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत दिखने वाली है। इस कार को भारतीय बाजार में 6 कलर तथा 2 डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में लाया गया है और इस कार को एक स्पोर्टी लुक प्रदान करने के लिए मारुति की स्पोर्टी टीम ने वर्क किया है, यानी ये कार भारत में मौजूदा ऑल्टो से काफ़ी एडवांस लुक तथा टेक्नोलॉजी से लैस की गई है, क्योंकि इस कार में आपको टर्बो वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल ऑल्टो के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त पावर प्रदान करता है। अगर इस कार की लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में इस कार को आप केवल 2.60 यानी 2,60,000 रुपये में अपने घर ले जा सकते हैं। इस कार की प्री बुकिंग हम सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टार्ट कर दी गई है, जहां से आप इस कार को अपने लिए घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, इस दिवाली पे आप चाहते हैं इस कार को लेना तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हुंडई ला रही है सेंटो का सस्ता वर्जन, यानी मारुति ऑल्टो को मिलने वाली है कड़ी टक्कर। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हुंडई ने अक्टूबर 2018 के अनुसार अपनी छोटी कार इयोन को बंद हम सभी के लिए भारत में कर दिया था, क्योंकि मार्केट में नई सेंट्रो की एंट्री हो चुकी थी। तो ऑटो कार इंडिया के मुताबिक हुंडई अब सेंट्रो के एक बेस वेरिएंट पर काफी लंबे समय से काम कर रही थी, जिसको भारतीय बाजार में इयोन एक्स के नाम से भारत में अब लॉन्च फाइनली किया जाना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सेंट्रो का नया बेस वेरिएंट यानी इयोन एक्स को हम सभी के लिए भारत में जल्द से जल्द दिसंबर में लॉन्च किया जाना है। अब इस कार का प्रमाण ये है कि इस कार का टीजर हम सभी के लिए जारी कर दिया गया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। दिखने में ये कार
पुरानी इओन से काफी एडवांस नजर आती है तथा इस कार में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ नया BS6 इंजन अपडेट के साथ मिलने वाला है। तो चलिए जानते इस नई इओन एक्स के बारे में। अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय हुंडई की नई सेंट्रो की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3.80 लाख रुपीस शुरुआती है, जबकि मारुति ऑल्टो की भारत में कीमत अभी 2.80 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस चल रही है। ऐसे में यहां पर कीमत में करीबन 96,000 रुपीस का फर्क आपको दोनों कारों में देखने को मिलता है। अब भारत में हुंडई की नई आने वाली इओन एक्स की कीमत केवल 2.20 लाख रुपीस रखी जानी है और ये जो करीबन लाख रुपए तक का फर्क इन दोनों में आपको देखने को मिलता है, ये उन ग्राहकों के लिए काफ़ी मायने रखता है जो कि एक बेस कार की चाहत रखते हैं। तो आने वाले समय में इओन का एक्स वेरिएंट आप सभी के लिए काफ़ी खुशियाँ लाने वाला है। ऑल्टो के अलावा ग्राहक के पास क्विड से लेकर डैटसन रेडिगो जैसी कारों के ऑप्शन भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो भारत में हुंडई की न्यू आने वाली कार इओन एक्स की कीमत, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स शोरूम 2.20 लाख रुपीस होने वाली है, जो कि काफ़ी रिजनेबल अफोर्डेबल प्राइस है, जो कि ऑल्टो तथा क्विड तथा डैटसन रेडिगो के आसपास से जाती है। चलिए जानते हैं इस फीचर्स के बारे में। दोस्तों इंजन की बात करें तो बताना चाहूँगा कि हुंडई की अपकमिंग कार इओन एक्स के अंदर आप सभी को 1.0 लीटर का DTCI पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को भारत में मिलने वाला है, जो कि करीबन आपको 54 PSP की पावर तथा 68 HP का NM का टॉर्क जनरेट करके देता है। भारतीय बाजार में इस कार को नए BS6 अनुपात के तहत अपडेट करके 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ भारत में लाया जा रहा है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के मामले में इओन एक्स को भी अन्य कारों की तरह डिज़ाइन किया गया है। इस कार में ही आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस कार में आपको ड्राइवर ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ 14 इंच का एलॉय व्हील तथा LED DRLs और मैनुअली AC रियर सेंट्रल मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स को अपडेट किया गया है। कार के सभी वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड एयरबैग्स तथा सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर फीचर्स मौजूद करवाए गए हैं, जो कि इस कार को बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं। इंटीरियर की बात करें तो आज की जनरेशन में दोस्तों इंटीरियर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन बन चुका है, क्योंकि अंदर दिखने में कार काफ़ी खूबसूरत होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे इंटीरियर भी देखने को मिलते हैं। तो इस कार को यूथ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस कार में आपको 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मुहैया करवाया गया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले नेविगेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस कार के अंदर आप सभी को मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे ऑप्शन को अपडेट कर दिया गया है। इस कार के अंदर आप सभी को चेसी पे डिज़ाइन किया गया लेदर अपहोल सीट ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि इस कार की सीटों को काफ़ी खूबसूरती प्रदान करता है। कीमत तथा लॉन्चिंग की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में हुंडई की बिल्कुल अपकमिंग कार इओन एक्स को भारत में दिसंबर तक फाइनली हम सभी के लिए लॉन्च किया जाना है। स्टार्टिंग कीमत इस कार की डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि हम सभी भारतीय ग्राहकों के लिए केवल 2.20 लाख रुपीस रखी गई है। इस कार की प्री बुकिंग अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए तथा अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। तो भारत में रेनॉल्ट टाइगर से लेकर MG हेक्टर 7 सीटर कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए आ रही है जबरदस्त ये सस्ती 7 सीटर कार, जिसका नाम है लग्जी 5020। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों भारत में MG मोटर्स की हेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऑल न्यू हेक्टर की इस साल की बुकिंग फुल हो चुकी थी, यानी इस कार को काफी भारतीय ग्राहकों ने अपने लिए खरीदा था। इसी को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य 7 सीटर कार जैसे टाइबर, डैटसन रेडिगो प्लस जैसी कारों को टक्कर देने के लिए लूसा अपनी LX 520 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी अब कर ली है, यानी इस कार को फाइनली दिसंबर तक हम सभी के लिए लॉन्च किया जाना है। उड़ती मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर को आज ही हम सभी के सामने प्रदर्शित किया गया है। लूगा ने अपनी LX को सबसे पहले भारतीय बाजार में जिनेवा मोटर शो के दौरान हम सभी के लिए स्पॉट किया था। उसी दिन से इस कार को भारतीय ग्राहकों के दिल में काफ़ी जगह भी बना ली थी।
यानी इस कार को काफ़ी ज़्यादा भारत में पसंद किया जाने लगा था। अब फाइनली लूका अपनी LX520 को भारत में अब लॉन्च करने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस अपकमिंग लूका LX 7-सीटर कार की इंटीरियर तथा फीचर्स के बारे में। कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार के मुताबिक कंपनी ने अपनी 7-सीटर कार लूकस LX को भारत में केवल 4.20 लाख रुपीस एक्चुअल प्राइस के साथ उतारने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि भारत में उसकी कार सबसे लग्जरी फ्यूचराइज फीचर से लैस की गई है, क्योंकि भारत के मुताबिक काफ़ी महंगी कारों में आपको ये इंटीरियर देखने को मिलता है। लूकस को स्पेशली भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस कार का भारत में मुकाबला मुख्य रूप से टाटा हैरियर से लेकर XUV 200 तथा 100 तथा डैटसन डैडिगो टाइबर फैसले वेरिएंट से होने वाला है। इंजन तथा पावर की बात करें तो दोस्तों इस कार के अंदर आप सभी को 2.0 लीटर का डीजल तथा पेट्रोल इंजन ऑप्शन की सुविधा दी है। ये कार आपको 170 PSP की पावर तथा 350 NM का पिकअप टॉर्क जनरेट करके दे दी है। भारतीय बाजार में इस कार को 6-स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ भारत में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो लूका की अपकमिंग कार LX520 7-सीटर MPV कार के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ तथा ऑटोमेटिक फिनिशिंग इंटेलिजेंट सिस्टम बेस्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि इस कार को काफ़ी टेक्नोलॉजी हाई बना देता है। इस कार के अंदर आपको एप्पल कारप्ले तथा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 10.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स को कंपनी ने शामिल किया है। इसके अलावा इसमें आपको 50 से ज़्यादा यानी 50 से ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि 6V जनरेशन ड्राइवर सीट क्लाइमेट सिस्टम 360 डिग्री कैमरा डिजिटल कैमरा और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर्स को अपडेट करके कन्वर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें तो दोस्तों भारतीय बाजार में लोग सी अपनी LX 570 और तथा 520S को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर चुकी है, यानी इस कार को भारतीय बाजार में फाइनली दिवाली के बाद हम सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत में ये पहली ऐसी कार होने वाली है जो कि काफ़ी एडवांस फीचर्स तथा फ्यूचरस स्टाइल के साथ भारत में देखने को मिलेगी, जो कि भारत में हेक्टर से लेकर अन्य महंगी कारों को कड़ी टक्कर देने वाली है। इस कार का प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होने वाला है। भारत में इस कार की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को आगे मिल सकती है। इस कार की प्री बुकिंग हम सभी के लिए लूसा LX की वेबसाइट पर स्टार्ट कर दी गई है, जहाँ पे आप इस कार को अपने लिए बुक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, ताकि आप इस कार को बुक कर पाए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।